ऊना जिला मुख्यालय से करीबन 35 किलोमीटर दूर अमहेड़ा के राम किशन गांव के दीनानाथ शर्मा ने मीठे पानी में मोती का सफल उत्पादन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि सरकारी तौर पर कोई भी मदद न मिलने और न ही लेबोरेटरी की व्यवस्था होने से उनका ये सफल प्रयोग सिरे नहीं चढ़ पाया। जिला ऊना में पहली बार फ्रेश वाटर पर्नल कल्चर को अपनाकर असंख्य मोतियों का उत्पादन करने वाले 84 वर्षीय दीनानाथ कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार से पुरस्कार प्राप्त कर चुके दीनानाथ इस बात से व्यथित हैं कि सरकार ने इस तरफ कोई तजव्वु नहीं दी। कुटलाहड़ के दुर्गम अमेड़ा रामकिशन गांव के बुजुर्ग दीनानाथ अकेले ही नई खोज पर निकले थे। इस खोज में न केवल उन्होंने सफलता हासिल की बल्कि उन चुनिंदा लोगों में भी शुमार हो गए जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ अलग कर दिखाने में पूरी तरह से कामयाब हुए। 26 फरवरी 2010 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने देश भर के जिन चुनिंदा खोजकर्ताओं को हार्वेस्ट ऑफ होप के खिताब से नवाजा था उनमें रामकिशन गांव के दीनानाथ भी शामिल थे। दीनानाथ कहते हैं कि इस काम की प्रेरणा उन्हें 18 वर्ष पहले टीवी पर प्रसारित ताजा पानी में मोतियों के उत्पादन संबंधी एक कार्यक्रम को देखकर हुई थी। इससे प्रेरणा लेकर अपनी खोज पर निकले पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रहे दीनानाथ इस प्रयोग को आजमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस काम को करने के लिए मदद की जरूरत थी। घर से निकले और उड़ीसा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर पहुंचे। मीठे पानी में सुच्चे मोती तैयार करने वाले दीनानाथ कहते हैं कि उच्च मार्केटिंग की व्यवस्था न होने से और भारत वर्ष में इसकी लैब न होने से उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल सका था। इस कारण वह अब मीठे पानी के सुच्चे मोती का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मोतियों की करोड़ों रुपए की कीमत है। दीनानाथ बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से मोती का निर्माण तब होता है जब भारी कणों के रूप में रेत कीट इत्यादि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं आने देती बल्कि उसके ऊपर चमकदार परत जमा हो जाती है जिसे मोती के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। दीनानाथ बताते हैं कि मोती तैयार करने की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले सीप इकट्ठा करना, इस्तेमाल से पहले उन्हें अनुकूल बनाना, सर्जरी के बाद उन्हें तालाबों में तैयार करना, इन सब प्रक्रिया में 78 महीनों के समय लग जाता है। इसके बाद ही मोतियों का उत्पादन होता है। दीनानाथ ने बताया कि उन्होंने मत्स्य विभाग की मदद से मोती उत्पादन के लिए 5 छोटे तालाबों का निर्माण करवाया था जिन पर 28 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तालाबों तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण भी स्वयं ही करवाया था लेकिन बाद में उसी सड़क को विभाग द्वारा दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़क का काम शुरू कर दिया। ना तो वह सड़क बनी, उस सड़क का सारा मलबा उनके तालाबों में जा गिरा और ये सारा काम बंद हो गया। दीनानाथ शर्मा ने कहा कि सरकार मोतियों की लैब स्थापित कर दे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है जिससे आम आदमी घर बैठे ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। हजारों बेरोजगार युवा इस काम को करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5000 से ज्यादा मोती उत्पादन करने में वह कामयाब हुए हैं। फिर मेरे को दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के था फिर वहाँ और काफी से कुछ सब्जी सुब्जी आ रहे थे कि मच्छी एक मोती आला एक सिर्फ के बचल से एक मैं ही था तो उन्होंने बड़ी इज्जत की मेरी। फिर उसके बाद फिर वापस आ गया। तो दिल्ली में आपको क्या इनाम दिया गया? कुछ नहीं दिया, नाम नोमन तो ऐसे ही किया उन्होंने। लिखने भी उन्होंने मेरे को पूछा कि तेरे को क्या चाहिए कि मदद क्या चाहना तू तो मैं जो थी जरूरत लेबोरेटरी दी कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी होगा तो वह सर्टिफिकेट चाहिए मैं जो मोती गुड करने का फिर माल मेरा बाहर चले जाना था। अच्छा वो नहीं मैं कह सकिया, मैं उन्होंने बोला भी मार्केट बनाओ, मार्केट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने मार्केट का प्लान पाता। अच्छा फिर मैंने चिट्ठी आई भी तुम भी वो लेके आओ बना के मोवी, वो मोवी बना के भेज। सरकार जो नौजवान है उनको काम करा दे क्योंकि ये काम तो अपने करने का नहीं है। ऐसे सरकार लेबोरेटरी लिया अपनी और लोगों को ट्रेनिंग दे और फिर काम कराता है। बहुत कमाई है इसमें, थोड़ी नहीं है, बहुत रोजगार चली।